हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जो कि क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है, चैप्टर 4 का। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और उसके इक्वेशन के बारे में। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नेचर ऑफ रूट के बारे में भी जानेंगे। अब बात करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन है वो क्या चीज होती है। सबसे पहली चीज जो है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात की जाती है तो आपको समझना होगा कि अ पॉलिनोमियल उस डिग्री इज टू, जिसकी डिग्री क्या होती है, टू होती है, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। और इसका जो फॉर्मेट होता है आपको मैं बता दूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये इसका फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। बट बारी ये आती है समझने की कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होता है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरीके से आप समझ सकते हो, जब हम किसी भी चीज को इक्वेट कर देते हैं, या देखिए अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसको इक्वेट कर देते हो जीरो के इक्वल, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू इक्वल टू जीरो, राइट, इक्वेट कर देते हैं, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही फर्क होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये दिया है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जीरो के इक्वेट कर दिया है हमने, तो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चीज को ध्यान से आपको समझना होगा, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, दोनों को एक ही चीज समझते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करते हैं, इसका बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आपको समझना होगा कि इसका जो फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये मैं देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो ये जीरो नहीं होता, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आई होप कि आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी कर रहे होंगे। अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में। देखिए, टाइप्स बहुत सिंपल है, ऐसा जो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसमें कि क्या होता है, ए जीरो के इक्वल नहीं होता, बी भी जीरो के इक्वल नहीं होता और सी भी जीरो के इक्वल नहीं होता, इसका फॉर्मेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। एक होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो होता है, जहां पे ए जीरो के इक्वल नहीं होता, बी जीरो के इक्वल होता है और सी जीरो के इक्वल होता है, यानी बी और सी दोनों इक्वल होते हैं, ए इक्वल नहीं होता, उसे कहते हैं हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ये तो टाइप्स के बारे में बात हो गई, अब हम समझते हैं इसके रूट्स के बारे में। देखिए, रूट एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए लेट ए, वेयर ए इज अ रियल नंबर, हम मान लेते हैं कि जो ए हमारा रियल नंबर है और ए सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ए क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा मान सकते हो आप चाहो तो, कि एक्स इक्वल टू अल्फा मान लिया आपने, राइट, या ए बी सी भी मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमने अल्फा माना क्योंकि यहाँ पे भी ए यहाँ पे भी है, इनमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए अब ये लिख दिया ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो अल्फा का रूट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री होती है वो टू होती है, सो देयरफॉर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स होंगे, दो डिग्री है तो टू रूट्स होंगे। अब इसके जो रूट्स हैं वो इसका फैक्टराइज करने के बाद हमें समझ आता है, सो जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जो जीरोज होंगे, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इक्वल होगा किसके, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो सेम होगा उसके रूट जो इस इक्वेशन के होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरो होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे जो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं उसके, यानी कि रूट से ही हम जीरोस को, जीरो से ही रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज आप समझ पाए होंगे जिस चीज को मैंने अभी डिस्कस किया है, चाहे हमने पॉलिनोमियल जो रूट्स के बारे में बात की हो, पॉलिनोमियल से कैसे ये इक्वल होता है, सेम होता है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देखिए, अगर हम कुछ मेथड्स की बात कर देंगे, रूट्स के बारे में तो बात करेंगे हम वो कैसे आया है, बट मेथड के बारे में बात करें तो एक होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब ये दोनों मेथड्स आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं और इन दोनों ही मेथड्स को आपको समझना होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे काम करता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे काम करता है, और एक और होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड जिसमें माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है
जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हो। देखिए, अगर हम बात करें फैक्टराइजेशन मेथड की, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। सबसे पहले जो स्टेप डी होती है, उसको इस फॉर्मेट में हम देखते हैं वो है या नहीं है। फिर जो इसका मिडिल टर्म है, उसको स्प्लिट करते हैं, दो पार्ट्स में तोड़ते हैं बी एक्स को। अब जो दो पार्ट्स में हम तोड़ते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट जो नंबर होता है, फर्स्ट और थर्ड नंबर, उसके प्रोडक्ट के इक्वल में होना चाहिए जो मिडिल का टर्म है, अगर हम प्लस माइनस करते हैं। तो अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस पी और एक्स प्लस क्यू होगा, अगर हम इसको ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये इस तरीके से दो पार्ट्स में ये होता है, और यहाँ से हम इनके फैक्टर जीरोस को फाइंड आउट करते हैं, एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। देखिए, अगर इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो मैंने सबसे पहले बताया कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के टर्म में रखना होगा। मिडिल टर्म को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए हमें फर्स्ट यहाँ पे है 1, राइट, लास्ट नंबर है हमारा 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर मिलेगा 15। 15 का हमें ऐसा फैक्टर देखना है जिसको प्लस या फिर माइनस करने पे 2 आना चाहिए, क्योंकि मिडिल टर्म हमारा क्या है, 2 है। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं ऐसा करता हूँ, 15 का जो फैक्टर है, अब देखिए आप 3 और 5 रखता हूँ, तो 5 में से अगर 3 को माइनस करूंगा तो 2 आएगा, राइट। तो हम लिख सक मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 3, और इसके आगे अगर माइनस लगा हुआ है तो मैं माइनस लगा दूंगा, तो यहाँ पे टर्म क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस 5 माइनस 3। इस 2 को हमने तोड़ लिया दो पार्ट्स में, एक्स -15, राइट, अब इक्वल टू 0। अब ये टर्म आ गया, यहाँ से एक और इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो ऐसा आएगा, एक्स स्क्वायर -5x, माइनस और माइनस +3x और -15, राइट। इन यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, इन दोनों ही जगहों में अगर x को लेंगे कॉमन, तो ये x -5 होगा। यहाँ पे अगर हम 3 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x -5। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो हमारे कॉमन नंबर आए हैं वो x -3 है, सॉरी x +3 है, और यहाँ पे क्या है, x +5, x -5 है, 2 टाइम्स है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, तो x -5 और x +3 आ गया है, राइट। ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो -3, और यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इस वाले टर्म को लेकर के, तो 5 आएगा प्लस का। तो हम कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू -3 और -5 है। इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के बाद बारी आती है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको मैं बताता हूँ किस तरीके से होता है। आपको ध्यान रखना होगा कि जो ए वाला जो टर्म है वो 1 होना चाहिए यहाँ पे, अगर नहीं है तो उसको डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -6x+2=0, तो यहाँ पे जो नंबर है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे है तो हम इसको आइसोलेट कर देते हैं, अगर नहीं रहता है तो हमने यहाँ पे ये जो 2 है इसको आइसोलेट कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर -6x=-2 हो गया, राइट। अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि 1/2 ऑफ द कोफिशियंट ऑफ बी एंड बी एक्स टर्म का। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें हमने +6/2 का जो स्क्वायर है इस तरफ भी रखा है और इस तरफ भी रखा है, ताकि दोनों बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -6x तो पहले से था 6/2 का स्क्वायर, और यहाँ भी +6/2 का स्क्वायर किया है। स्क्वायर किया, रिजल्ट्स में एड किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर में तो हमने सॉल्व किया, तो ये नंबर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर -6x+3 का स्क्वायर, और यहाँ पे -2+9 आ गया। अब यहाँ पे फैक्टर्स क्रिएट करेंगे, तो ये देखिए ये किसका फॉर्मूला है, ए माइनस पी का होल स्क्वायर, और ये 7 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व कर लिया है, तो जो एक्स की वैल्यू है 3±√7 आई है। तो इस तरीके से हम जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उसको यूज करते हैं और इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। ये आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से, जिसके अंदर हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब समझने की कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, -b+√b2-4ac/2a। तो इस चीज को अगर आपने ध्यान रखा है तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके लिए काफी आसान होने वाला है। देखिए, हमने रूट्स को समझा था कि जो पॉलिनोमियल के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, दोनों उसके जो जीरोज होते हैं उसके रूट्स उसी के इक्वल होते हैं। आपको समझना होगा कि अगर एक बार आपने माइनस लिया है तो एक रूट तो ऐसे निकला है निकलेगा, दूसरा निकलेगा प्लस लेने पे, यानी कि -b -√b2-2a, और यहाँ भी +√b2-2a होगा, 4ac/2a होगा। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे एक बार हम माइनस लेते हैं एक बार प्लस लेते हैं, तो रूट्स हमारे इस तरीके से आते हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बारे में बात करते हैं, जो वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट की, अब ये डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ना, डी,
ये होता है जो हमारे अंडर रूट में वैल्यूज होती है उसको हम डी कहते हैं। अब जो डी की जो वैल्यू है, डी मतलब क्या, जो अंडर रूट में दिया हुआ है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वही डी होता है हमारा। अब जो डी की वैल्यू अगर बड़ी होती है 0 से, तो उस कंडीशन में दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आते हैं हमारे। अभी आप कह सकते हो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन टू। इसी डी को आप देखेंगे इसके पहले वाली स्लाइड में, तो यही डी है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac यही डी है हमारा। अगर कब, जब हमारा जो डी है वो 0 से बड़ा होता है, पहली कंडीशन। अगर जो हमारा डी 0 के इक्वल हो गया तो फिर माइनस बी अपॉन टू ए होगा, और माइनस बी अपॉन टू दो इक्वल रियल रूट्स आएंगे, दो इक्वल रियल रूट्स आएंगे, मतलब जो रूट्स आएंगे ना, जो वैल्यूज आएंगी ना, वो इक्वल आएंगी अगर हमारा जो डी है वो 0 के इक्वल हो गया। जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं, ताकि आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाओ कि दो इक्वल और रियल रूट्स आएंगे, ये भी आएगा और ये भी आएगा। अगर देखिए, अगर 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटा है तो कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, नील आएगा उसका आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि रियल रूट तो होगा ही नहीं वो फॉर डिस्क्रिमिनेंट। दो ही कंडीशन होगी, 0 के इक्वल, 0 से बड़ा होना चाहिए, इसमें तो आएगा नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं आएगी रूट की, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इन चीजों को, जितने भी मैंने आपको समझाए हैं चैप्टर चैप्टर 4 के अंदर, जितने भी समझाए हैं मैंने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के अंदर, जितने भी कॉन्सेप्ट, चाहे वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात की हो, चाहे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात की हो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में बात की हो, चाहे हमने बात की हो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर की, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के अकॉर्डिंग। फैक्टराइजेशन मेथड को भी समझा आप लोगों ने, आपने समझा कौन कौन से मेथड है सॉल्व करने के, आपने रूट्स के बारे में समझा बहुत अच्छी तरीके से, और आपने समझा टाइप्स के बारे में, आपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी देखा, आपने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और इक्वेशन के बारे में भी जाना, और इसके अलावा ये जितनी भी चीजें हैं इन सारी चीजों को मैंने डिस्कस किया है। और उम्मीद करता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट से ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आपने समझ लिया है, तो आने वाले क्वेश्चंस आपके लिए काफी आसान होने वाले हैं। एक बार नहीं, आप बार बार कॉन्सेप्ट की वीडियो को देखें, इससे क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या लाइव क्लासेस करनी है आपको, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं कि आपकी लाइव क्लासेस कब और नया सेशन में कब स्टार्ट होने वाली है, सारी डिटेल आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जान सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।